इन कतका खेलना फोटो और इन यो खुटियो खुट लक्ष्मी खुट और उमाल तस न कर यार क्या ने लिन यार मो को यो 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 बाप अच्छा ये हमारे भाई जी तो केमो स्टेशन के सी ठीक सामने है इनकी जो क्या हुआ इसका नाम कॉस्मेटिक हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नमस्कार वहीं इन खूबसूरत हंसी वादियों का। तो आज मैंने जैकेट सैकेट सब निकाल लिए क्योंकि अब पहाड़ों में ठंडा होने लग गया है और बाइक से जा रहा हूँ तो इस पे तो जैकेट ज़रूर चाहिए। मैं जा रहा हूँ आज गंगोली हाट, तो गंगोली हाट का सफ़र शुरू करने से पहले आप सभी को आने वाले जो त्यौहार हैं दीपावली धनतेरस भैया दूज स्पेशली धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये आशा करता हूँ कि ईश्वर इस बार आपके जो कमाई है उसको बढ़ाए और खर्चे कम करें। व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं को इस जगह से क्योंकि ऊपर है देवी माता का मंदिर। वीडियो नहीं दिखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो थोड़ा बहुत दीपावली का सामान था और थोड़ा तो आ गया था, अब बहुत सारा सामान रहता है एक ही इकट्ठा उतना आ नहीं पाता, कुछ ध्यान नहीं रहता। तो कुछ सामान देखने के बाद फिर चेक करने के बाद फिर पता चलता है कि ये सामान कम आया, तो वही सामान लेने जा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा कल के लिए जो धनतेरस की तैयारी है वो कैसी है गंगोली हाट बाजार की। तो आप भी धनतेरस में जरूर आएं गंगोली हाट शॉपिंग करने। तो चलता हूँ अब मैं, सफर की शुरुआत करता हूँ। रास्ते पे तो कुछ छूट करूंगा नहीं, अब मिलता हूँ सीधे आपको गंगोली हाट जाके। 12:30 बजने वाले हैं दोस्तों और अब जाके मैं पहुँचा हूँ गंगोली हाट। गाड़ी पार्क करने का भी आज यहाँ पे मिला मौका, ये है RFC का गोडाउन, तो इसके पास मिला मौका। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आज बाजार में। सबसे पहले तो मैंने जाना है बैंक, वहाँ पे तो पहले बैंक का काम करता हूँ उसके बाद आपको बाजार के दर्शन कराते हैं। तो बैंक का काम भी सबसे पहले हो गया है, अब जाता हूँ जो ज़रूरी काम के लिए आया हूँ। चलो चलते हैं, पहले काम निपटाते हैं अपना। तो अब मैं आया हूँ यहाँ, यहाँ है मेरा काम, अंदर जाता हूँ। तो अंदर यहाँ पे जो है सारा होलसेल का मिलता है, ये देखिए सारे पटाखे। जिस दिन मैं यहाँ आया था लगभग 25 को, तो पूरा गोडाउन जो है भरा हुआ था। आज देखिए सब खाली हो गया, पेटियाँ खाली। तो मैंने तो पटाखे नहीं लेने, मैंने और सामान लेना है थोड़ा, वही देखता हूँ पहले। ये है कैश काउंटर। अब आ गया हूँ मैं एक हार्डवेयर की दुकान पे, यहाँ से भी कुछ सामान लेने हैं मुझे। सामान लेके चलते हैं फिर दिवाली की मार्केट। ये देखिए यार इनका खेलना फोटो और इन यो खुटियो खुट लक्ष्मी खुट और उमाल तस न कर यार। ये कतका सुनियो टू साउंड 140 और यो पूरे पूरे कतका मिलल डाब 25 रुपए की 250 से यार तस न करो यार, तस किला करना रहा यार। फुल जड़ी कतु कतका सुनियो यार, क्या मिली। तो ये है मार्केट और ये वाला ये 280। रेट तो
काफ़ी महंगे हैं इस बार, पूछा है भी मैंने एक दो जगह, आपने भी सुना होगा। अब नीचे जाता हूँ, फूलों का देखता हूँ फूल क्या हो रहे हैं। तो आगे देख सकते हैं सारी दुकानों में फूल वगैरह, तो सज गई है आज मार्केट, अब कल की तैयारी होगी इनकी। कद का छलना माल तस नगर यार, ओयो फूल बड़ महंगे है यार, हाल 80 रुपए जोड़ गए, 80 रुपए जोड़ बापा, ये 60 रुपए जोड़ जो ये वाल 60 रुपए, फूल बड़ महंगे कर रहे हैं यार, 350 को यो 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 350 बापा। अब चलते हैं, ले चलता हूँ एक भाई की होलसेल दुकान पे, तो अपने ही भाई हैं ये भी। हेलो नाथ जी, क्या हाल चाल? यहाँ पे बाहर, अच्छा ये हमारे भाई जी, तो केमो स्टेशन के सीट ठीक सामने है इनकी, जो क्या हुआ इसका नाम, कॉस्मेटिक सुनिया ये कहना लेडीज वियर, कहाँ है भाभी जी, कहाँ है? कैसा चल रहा है फिर धंधा पानी दिवाली में? धनतेरस है कदल से आछ बोई, धनतेरस आछ बोई। तो ये है नाथ जी की दुकान, लेडीज आइटम ज़्यादा है हमारे लायक, तो कमी है दीदी आर्मा। दो चार ही दे दे, अरे तेरे पास तो और आइटम भी है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो लेडीज का सारा सामान है। तो अभी नहीं खुली है ये दुकान, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। फिर नाथ जी, ओके बाय, व्हाट्सएप में आई भेजा व्हाट्सएप में, ठीक है। तो ये थी हमारे फ्रेंड नाथ जी की दुकान, अब चलता हूँ मैं भी घर की तरफ को, वहाँ भी बहुत काम है। अब निकल आया हूँ मैं भी घर को, अब मिलते हैं घर जाने, घर पहुँचने के बाद आगे जा रहे हैं दो भाई लोग। तो ये हैं हमारे बड़े भैया जी, अभी दुकान बंद करके आ रहे होंगे शायद, दीदी पीठ में दर्द बता रहे थे आज ये। तो दोस्तों अब मैं घर पहुंचने वाला हूँ, और अब ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि ईश्वर इस धनतेरस आपकी कमाई बढ़ाए और आपके खर्चे कम करे। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।